हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शेरफगन, मैं केमिस्ट और स्किन केयर एक्सपर्ट हूं और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जैन फार्म की मैक्स डीप स्किन ब्राइटनिंग क्रीम का और हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन कैसी है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और किसके लिए नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्रीम की क्वालिटीज़ या इसकी हाइलाइट्स जो इसके फ्रंट पर मेंशन की गई हैं। उनमें आता है मैक्सिमम डिफरेंस, रिजुविनेट ब्राइटन मॉइस्चराइज और इसके साथ साथ ब्राइटन्स एंड रिवील्स ग्लोइंग स्किन। मतलब जो मेन काम है इस क्रीम का वो है स्किन को ब्राइटन करना, स्किन पे ग्लो लेके आना और स्किन को मॉइस्चराइज रखना। अब हम देख लेते हैं इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं जो ये सारे काम करेंगे। इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हम उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। उनमें सबसे पहले मैं समझता हूँ अल्फ़ा आर्बुटिन है। अब अल्फ़ा आर्बुटिन स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन पे ग्लो लेके आने के लिए। और ये आप समझ लें हाइड्रोक्विनोन का एक अल्टरनेट है। हाइड्रोक्विनोन बहुत एक तेज़ केमिकल होता है आसान अल्फाज में, तो उसका जो अल्टरनेटिव हमारे पास है वो अल्फा आर्बुटिन है। बहुत सेफ है स्किन के लिए और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए इसमें कोजिक एसिड शामिल कर दिया है, लेकिन जो सिंपल कोजिक एसिड होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता। कुछ देर के बाद आप ये समझ लें उसकी जो पावर है किसी प्रोडक्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने इसमें कोजिक एसिड भी अच्छे वाला शामिल किया है, स्टेबल फॉर्म है कोजिक एसिड डाइपरमिटेट। अब इसे मज़ीद और बेहतर करने के लिए इसमें विटामिन सी भी शामिल कर दिया है, लेकिन विटामिन सी की भी स्टेबल फॉर्म यूज़ की है, SAP यानी सोडियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट। ये भी स्किन को ब्राइट करता है, स्किन पे ग्लो लेके आता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, स्किन यंगर, प्लम्पर और हेल्दी फील होती है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें विटामिन ई भी शामिल कर दिया है ताकि स्किन के लिए सूदिंग हो, हीलिंग हो, स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग हो मज़ीद और स्किन को प्रोटेक्ट भी करे। और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें क्या शामिल किया है जी, हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड वैसे तो आपने मोस्टली सीरम्स के अंदर देखा होगा, लेकिन आजकल कुछ क्रीम्स एंड लोशंस के अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड आ रहा है ताकि स्किन डिहाइड्रेट ना हो। स्किन के ये स्किन है ना, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मॉइस्चर का एक हाइड्रेशन का एक बैरियर बन जाए तो स्किन किसी सूरत में भी ड्राई नहीं हो सकती। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो हाइलुरोनिक एसिड एक गिफ्ट होता है क्योंकि ये एक ब्राइटनिंग क्रीम है, तो हर कस्टमर जस्ट नाइट टाइम क्रीम्स को अप्लाई नहीं करता। कुछ लोग दिन के वक्त भी अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि उन्हें फेस पे जल्दी ग्लो चाहिए, उन्हें फेस को जल्दी ब्राइट करना है और डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को जल्दी ख़त्म करना है, तो वो दिन को भी लगा लेते हैं। अब दिन को लगा के जब वो धूप में निकलते हैं, फेस पे सनलाइट पड़ती है, तो उस प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है, एक टेक्निकल काम किया कि इसमें केमिकल सनस्क्रीन्स भी शामिल कर दी हैं ताकि किसी हद तक सन प्रोटेक्शन भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि इसमें कितनी परसेंटेज है केमिकल सनस्क्रीन्स की, लेकिन उन्होंने शामिल की हैं तो मैं समझता हूँ किसी हद तक थोड़ा बहुत मामूली सा छोटा मोटा सा सन प्रोटेक्शन भी इससे हो जाएगी। लिहाजा ये क्रीम ब्लेमिशेस को ख़त्म करने के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन पे ग्लो लेके आने के लिए, इसी के साथ साथ डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए अच्छी है। प्लस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, इसमें विटामिन ई है और हाइलुरोनिक एसिड भी है। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स की। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, किसी ने कहा कि इसके रिजल्ट मुझे एक माह बाद मिले हैं, किसी ने कहा इसके रिजल्ट मिले ही नहीं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये 7 दिन क्रीम खुद अप्लाई की है। तो पहले 2 दिन मैंने सुबह शाम अप्लाई की है, उसके बाद अगले जो 5 दिन है मैंने जस्ट नाइट टाइम अप्लाई की है। तो 7 दिन ये क्रीम यूज़ करने के बाद मैंने अपनी स्किन में वाजिया ग्लो फील किया है, स्किन थोड़ी सी ब्राइट भी फील की है, लेकिन ग्लो और स्किन ब्राइटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं मैं कह सकता कि इसका मुझे कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला। क्रीम अच्छी है, इसने अपनी इम्प्रूवमेंट शो की है, जिससे मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसे 1 मंथ प्लस यूज़ करेंगे तो स्किन पे वाजह तौर पे बेहतरी आएगी। और जहां तक बात है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वो आगे प्रोज एंड कॉन्स में जाके देखते हैं। प्रोज एंड कॉन्स में सबसे पहले हम प्रोज पे बात करेंगे। तो इसका जो प्रो है वो इसके बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं और इसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। 797 रुपीज़ की मैंने ये क्रीम परचेज़ की है, 800 रुपये की, डिलीवरी चार्जेस अलग थे। और जहाँ तक कॉन्स की बात है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, 30 ग्राम्स है। मेरा ख्याल है ये अगर इसे 1000 की कर देते, इसकी क्वांटिटी कम से कम 50 ग्राम करते तो ठीक होता, क्योंकि 30 ग्राम्स बहुत ही कम क्रीम है, कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं चलेगी। इसके अलावा इसके जो कॉन्स है, जो मुझे फ़ील हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और 7 दिन के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि
क्योंकि मैंने पूरे फेस पे लगाई है, मैंने आँखों के गिर्द यहाँ भी हर जगह लगाई है, तो मुझे मेरी आँखों से पानी आता हुआ फील हुआ, जिसके बाद मैंने ये दोबारा यूज़ नहीं की। मैंने और कोई ऐसी कंप्लेन नहीं सुनी, ना ही किसी ने कहा है कि उनकी आईज़ में से कोई पानी आया हो, लेकिन मुझे अपनी आईज़ से पानी आना फील हुआ। और छठे दिन मुझे मेरी आँखें थकावट जैसी आँखों में होती है वो फील हुई, सातवें दिन आँखों से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कोई आँसू निकलने शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा पानी आँखों से आना शुरू हो गया। तो ये मैं थोड़ा सा इस बारे में कंसर्न हूँ, अगर आपने यूज़ करनी है तो खैर यूज़ का तरीका हम उसके बारे में बात करते हैं स्किन टाइप्स में। अब देख लेते हैं इसका टेक्सचर और एप्लीकेशन। तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत लाइट सी क्रीम है, बिल्कुल भी कोई थिक कोई हैवी क्रीम नहीं है, स्किन में लगाते ही स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, कोई वाइट कास्ट नहीं आती, स्किन ग्रीजी फील नहीं होती, ऑयली फील नहीं होती, एट द सेम टाइम स्किन ड्राई भी फील नहीं होती, मतलब स्किन एक तो नॉन ग्रीजी फील होगी और स्किन ऑयल भी फील नहीं होगी, प्लस स्किन ड्राई भी नहीं होगी। यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड अपना काम कर रहा है, और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई मेरा ख्याल है यहाँ पे मेन चीज़ें हैं। वैसे तो इस प्रोडक्ट पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि ये किस स्किन टाइप के लिए है, लेकिन मेरा ख्याल है सभी स्किन टाइप्स इसे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो थोड़ा सा इसको शायद किसी के पास हो तो उसे ले के पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस भी एडिड है, तो फ्रेगरेंस सेंसिटिव स्किन पे समटाइम्स कुछ मसला क्रिएट करती है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। तो किसी स्किन टाइप को फ्रेगरेंस से मसला हो सकता है। और दूसरा बड़ी अहम बात है कि इसे आँखों के गिर्द मैं सजेस्ट करता हूँ कि ना लगाएं, अगर आप समझते हैं कि इससे कोई डार्क सर्कल्स ख़त्म होंगे उसके लिए आप आँखों के इर्द गिर्द लगा लें तो मैं उससे मना करता हूँ। अगर आपने ये नहीं समझना कि मुझे शायद कोई आँखों का मसला हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे अगर आप मेरी आई को देखें तो मसला एक हुआ था, पिछले साल मैंने लॉन्ग ड्राइव की थी, नॉर्दर्न एरियाज़ में गया था, कुछ मैंने 16-17 आवर्स मैंने कंटिन्यूस ड्राइव की, वापसी पे जब घर पहुँचा हूँ तो इस आँख में कुछ धुंधला सा फील होना शुरू हुआ। वो एक्चुअली हुआ ऐसे है कि शायद कुछ थकावट की वजह से या पता नहीं क्या मसला हुआ है, जो पीछे आँख के पीछे एक पर्दा होता है थोड़ा सा उखड़ गया था, उसे बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। उसके बाद डॉक्टर ने आँख में उसे जोड़ भी दिया और सिलिकॉन भी आँख में डाल दिया, जो कि आप वाइट वाइट देख रहे हैं। तो जब मैं YouTube से गायब हुआ 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो समझ लें मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, और डॉक्टर साहब ये जो सिलिकॉन डाला हुआ था उस पर्दे को सपोर्ट करने के लिए इसको निकाल लेंगे और फिर इंशाल्लाह ये वाली आँख भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। खैर ये एक पिछले साल का वाकया मुझे अचानक से याद आ गया इसी बात से। तो वैसे रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसको आप फेस पे अप्लाई करें, थोड़ा सा आईज़ का एरिया अवॉइड कर लें, क्योंकि होते एट द एंड ऑफ द डे सारे केमिकल्स ही हैं। अब किसी ने कोई कह रहा है कि जी 100% ऑर्गेनिक है, तो 100% ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता, वो होता है आप चावल का आटा ले लें, उसमें दही डाल लें, उसमें लहसुन डाल लें, उसमें शहद डाल लें, मुँह पर अप्लाई कर लें, वो होता है 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। इसके अलावा कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट है स्किन केयर की या इस तरह की, 100% नेचुरल कुछ भी नहीं होता, ये भी आप समझ लें। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।